नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद रफी आपका स्वागत करता हूं हेडलाइंस इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल में। अभी हम दिल्ली के ख्याला इलाके में मौजूद हैं। यहां दीप ब्लाइंड एसोसिएशन जो दिव्यांग जन है उनका एक कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ यहां के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में कैसा रहा ये प्रोग्राम। सर, ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कुछ। देखिए, ऐसा है कि समाज में जिनके पास अभाव है और जो कुछ कर सकते हैं, अगर ये पुल बन जाए, ये ब्रिज बन जाए, तो समाज का कल्याण होगा। वैसे भी सौभाग्य से इस समय सेवा सप्ताह चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, और ये जो दीप ब्लाइंड एसोसिएशन है ये बहुत अच्छा काम कर रही है ब्लाइंड विद्यार्थियों के लिए, उनको सामाजिक कामों में जोड़ने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें प्रेरणा देती हैं कि समाज में यदि भगवान ने आपको कुछ दिया है तो आप जिसके पास नहीं है उसको कुछ दो, और वही मुझे लगता है कि सच्ची भक्ति है। नर सेवा नारायण सेवा हम विश्वास करते हैं, तो आज नर सेवा नारायण सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर इस संस्था ने दिया है। सर, ये जो संस्था जो काम कर रही है, इनके काम को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये काम और आगे बढ़ाएं? देखिए, इनको जो सहयोग चाहिए, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, नम्रता जी हैं, श्वेता जी हैं, डंग साहब हैं, हमारे जितने भी यहाँ स्थानीय लोग हैं, नेता इनको मदद कर रहे हैं ताकि ये अच्छा काम कर सके। अच्छी बात यह है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स इनके साथ इन्वॉल्व हैं, और मैं ये समझता हूँ इनके भला के साथ साथ जो ये संस्था इन स्टूडेंट्स को संस्कार दे रही है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि बच्चा जब किसी के लिए कुछ करेगा तभी उसको समझ में आएगा कि समाज में उसकी कोई समाज के प्रति ड्यूटी है। हम इस देश में हैं, इसके नागरिक हैं, सिर्फ हमको देश से लेना ही लेना है, हमको लोगों से लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं है। ये जो हमारी एक जो भाव कुछ लोगों ने बना लिया है, उस भाव को ब्रेक करने का काम ये संस्था कर रही है। मैं इस संस्था को बहुत बधाई देता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया कि ये जो समाज का काम है ये बड़ा कठिन काम है, और भगवान को या अल्लाह को पाना बहुत आसान है कि आप उनसे 6 महीने बोलिए मुझे ये मिलना, ये चाहिए, तो भगवान जी कहते चाहिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जो विकलांग काम कर रहे हैं या दिव्यांग कर रहे हैं, ये बड़ा कठिन काम है, इनको आंखें मिले, इसलिए हमारी एक संक्षम नाम से संस्था है जो आंखें दान लेती है और फिर आंखें डोनेट करती है। उसमें भी बहुत से लोगों को आंखें मिल सकती हैं, मिल रही हैं, लेकिन अभी भी देश के अंदर बहुत ज़्यादा आंखों की ज़रूरत है। इसमें सक्षम संस्था काम कर रही है, उसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं, और ये हमारे ओर से क्योंकि हम राजनीतिक फील्ड में सामाजिक काम में जुड़े हैं, इनको कोई भी मदद चाहिए होगी हम करेंगे, ताकि ये बच्चे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अपने ऊपर निर्भर स्वयं खड़े हों, ये इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। मैं इनको सबसे पहले तो बहुत ही बधाई देती हूँ, और बहुत ही सराहनीय कार्य है जो ये कर रही हैं कि जिस स्थिति में वह है उस स्थिति में ये काम करना बहुत ही चैलेंज भरा है, और जिस तरीके से वो इस चैलेंज को लेकर चल रही हैं अपने साथ, जो अपनी जिस स्थिति में है और उस स्थिति में दूसरे बच्चों को टेक केयर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और मैं तो उनसे बस हमेशा यही कहूँगी कि जो हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, चाहे वो हमारे यहाँ के लोकल MLA मंजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, हमारे जो MP हैं प्रवेश वर्मा जी, या मैं हूँ, हमारी मेयर, कोई भी हो, हम लोग जो उनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। जो संस्था आप चला रही हैं, किस तरह से इसकी शुरुआत करी, कैसी ये सोच आपके मन में आई कि इस तरह से मेरे को और लोगों के लिए काम करना चाहिए? एक्चुअली ये संस्था तो काफ़ी सालों से चल रही है, मगर जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो मेरे दिमाग में यही था। पहले से मेरे हस्बैंड चला रहे थे, फिर उसके बाद उनका जो समाज सेवा का भाव था उसी भाव को लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, आज का क्या विशेष आज का मकसद है प्रोग्राम का? सर, एक्चुअली ना मैं ब्लाइंड बच्चों को प्रमोट करना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें प्लेसमेंट कराना चाहती हूँ कि वो कहीं अच्छी जगह प्लेस हों, ताकि अपना मतलब जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। आपकी जो ये संस्था है और क्या क्या काम करती है? हमारी संस्था में हम लोग फ्लावर्स बनाते हैं, धूपबत्ती, अगरबत्ती, आजकल हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो ब्लाइंड बच्चे बनाते हैं। हाँ जी, और स्लम एरिया बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं।
है, क्योंकि कोशिश में ही जीत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम यहाँ पर सिर्फ सैटरडे संडे करते हैं, जैसे आप सब जानते हैं ये सिर्फ एक ब्लाइंड एनजीओ है, अंधे बच्चों का। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अंधा शब्द ही हटा दिया है, उन्होंने दिव्य ज्योति का नाम दिया है, तो दिव्य। सो मैं चाहती हूँ कि इस एनजीओ के साथ साथ जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके साथ साथ हमने 2-3 एक्टिविटी और शुरू की है पिछले 2-3 महीने से। जितने भी स्लैम एरिया के बच्चे हैं, स्पेशली जो मुसलमानी लड़कियाँ हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आए और अच्छी एजुकेशन हमसे ले सके। हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको पढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने क्या शुरू किया है, एक लाफिंग क्लास शुरू करी है, चाहे वो कोई बड़ी एज का बच्चा हो चाहे छोटी एज का हो। हंसना आज की सेहत में बहुत ज़रूरी है, ऑफिस, घर, परिवार, स्कूल, छोटे बच्चे को भी उतना ही स्ट्रेस है जितना ऑफिस में काम करने वाले को है, तो लाफिंग क्लास होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मैसेज सब देशवासियों को है, सुबह उठकर घर हो चाहे ऑफिस हो चाहे सब जगह हो, 5 मिनट के लिए अपने आप को दीजिए जिसमें हंसना बहुत ही ज़रूरी है। जो डीप ब्लाइंड एसोसिएशन का जो ये प्रयास है वो वास्तव में निसंदेह सराहनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे यहाँ इन लोगों को दिव्यांग की उपाधि दी है, तो हमें भी अपने मन में ये भाव लाना होगा कि वास्तव में ये दिव्यांग है और वो इसी इन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनता है उनको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। उनके मन में ये भाव लाना कि ये कहीं भी हमसे अलग नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने इनके अंदर एक दिव्य गुण या दिव्य एक भाव ऐसा दिया है जो वास्तव हमसे और इनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं कराता, उसी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की एसोसिएशन का ये प्रयास निसंदेह बहुत सराहनीय है। लेकिन जो इस काम को करने वाली जो निर्मला जी हैं, जो खुद भी ब्लाइंड है, उसके बावजूद भी समाज में इस तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रही हैं, इनको कहीं ना कहीं लोगों के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि 1 से 1 11 होता है, इसके लिए लोगों को क्या कहेंगे कि निर्मला जी के बारे में? देखिए वास्तव में 1 और 1 11 होता ही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और ये जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं सूत्र में बांधने का जो काम किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 और 1 11 ही हुए हैं, बल्कि मैं कहूँगी कई 1 मिलकर कई 1000 11 हुए हैं, क्योंकि जब हम कड़ी 1 से 1 कड़ी मिलकर बनती है तभी वो चेन बनती है। तो आज हम सब लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं, निर्मला जी के साथ जुड़े हैं, अशोक जी एक माध्यम बने हम लोगों को इनके साथ जोड़ने के लिए, और निरंतर ये जो जुड़ने का क्रम है निरंतर चलता रहेगा, और हम लोग और लोगों के माध्यम से भी, जैसे आज राजधानी कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आए, वो लोग भी इनसे जुड़े, बहुत और भी लोग यहाँ पर जुड़े, तो हम सब लोग मिलकर इन लोगों के लिए कुछ कर पाए और समाज के लिए कुछ कर पाए। उन्होंने प्रयास किया, हमें कहा हम उनके किसी काम आ सके, हम अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप किसी की हेल्प करो, आपके लिए आप किसी की हेल्प करोगे आपके लिए भगवान हेल्प करेगा। तो आप इन्होंने जो इनकी हिम्मत देखता हूँ मैं, कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं ना जाऊँ टालम डोल कर दूँ, लेकिन वो नहीं, वो ऐसा नहीं कहते, नहीं करना है तो करना है, इनका जो निश्चय देख कर गए ऐसे महसूस होता है कि नहीं ये हमारी आंखें होते से भी कई बार हम अंधे बन जाते हैं, लेकिन इनकी आंखें ना होते से भी ये जागरूक बन जाते हैं। इन्होंने जागरूकता दिखाई, पेड़ वगैरह लगा के हरियाली बनाएंगे, इस पार्क को अच्छा बनाएंगे, लोगों आके इसमें रहें तो पार्क वॉक करें तो बढ़िया रहे, इन्होंने ऐसी जागृति इनमें है, तो हम इनके बिल्कुल सहयोग में श्वेता ने DC से कह के और तुरंत सफाई करवाई, नहीं तो मलबे का ढेर बड़ा हुआ था, यहाँ ठोकर लगती थी, बड़ी दिक्कत आती थी। हम भी कोशिश करेंगे इनकी मदद करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतनी मदद करें। क्योंकि निर्मला जी जो भी कार्य कर रही हैं ये बहुत ही अप्रिशिएट है कि जो एक दिव्यांग होते हुए भी जो काम कर रही हैं, जो कि हम लोगों के भी बहुत पहुँच से दूर होता है, लेकिन ये इतनी आसानी से कर पा रही हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही सराहनीय है हमारे लिए। और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत बड़ा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके माध्यम से ये लोगों तक पहुँच बनाए, जिससे कि इनको लोग और अच्छे से जान सकें और इनकी हेल्प कर सकें। गाइडेंस करता हूँ अच्छे काम के लिए, अच्छी बात आज एक अच्छा प्रोग्राम किया है निर्मल ने, जो हम देख कर भी हम देखा कर देते हैं, निर्मल ने जो ना भी देखा वो भी करके दिखाया है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगा, और ऐसे ही वो हर साल साल में कम से कम 2-3 प्रोग्राम निकाले और ऐसी कामयाबी आगे पाए।